यूट्यूबर अरमान मलिक को इस एक्ट्रेस ने बताया एनिमल। हाय एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी 3 सीजन 3 में अरमान मलिक द फेमस यूट्यूबर अपनी दोनों पतियों के साथ बिग बॉस के घर में गए थे, लेकिन पायल अब एविक्ट हो चुकी है और बिग बॉस के घर में अभी कृतिका मलिक और अरमान मलिक बने हुए हैं। जब अरमान मलिक बिग बॉस हाउस के पहले दिन प्रीमियर के दिन जब आए थे और उनसे जब अनिल कपूर ने पूछा था उनकी दो शादियों के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हर इंसान को यानी कि हर आदमी को दो पत्नियां रखनी चाहिए। जनरली बॉयज जो होते हैं वो शादी के बाद भी अफेयर करते हैं, उससे तो अच्छा है कि मैंने शादी करके ही घर लेकर आ गया हूँ, यानी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मुझे जो पसंद आई, जिससे मुझे प्यार हुआ, उससे मैं शादी ही करके आ गया। अगर मैं पायल घर पर रहती और मैं बाहर चक्कर चला लेता तब ये पायल के साथ धोखा होता, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अरमान मलिक की इस बात को बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इस बात का विरोध किया है और फिर फिलहाल में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड टीवी एक्ट्रेस तनाज ने भी अरमान मलिक को बताया है कि वो एक एनिमल है, यानी कि अरमान मलिक एक जानवर है, क्योंकि एक इंसान की एक टाइम पे सिर्फ एक ही पत्नी होती है। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी होती तो उन्हें पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक लेना चाहिए, उसके बाद दूसरी शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने एक पत्नी घर पर रखी और दूसरी लड़की से पहले प्यार किया, उसके बाद उसे शादी करके घर लेकर आ गए। उसके बाद तनाज पायल और कृतिका पर भी गुस्सा जाहिर करती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अरमान की दोनों पत्नियां एक साथ रहने के लिए मान कैसे गई। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।